सो गाइस, आप सभी का स्वागत है रॉयल एसपी गेमिंग के यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं फिर से खेल रहा हूँ वन ब्लॉक सर्वाइवल। तो अगले एपिसोड में हमने थोड़े से शल्कर बॉक्स को शॉर्ट किया था और उनमें से थोड़े से इंटेनमेंट भी निकाले थे और थोड़े से ब्लॉक्स भी ब्रेक किए थे हमने। तो आज ये सारी इंटेनमेंट बुक को हम यूज़ करने वाले हैं। तो रुको, जरा सबर करो। वैसे मैं सारी तो नहीं कर सकता एक दिन में। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। तो मुझे एक बंदे ने कमेंट किया था कि वन ब्लॉक उसके वर्ल्ड में ओपन नहीं हो रहा है। तो देखो, अभी वन ब्लॉक ओपन नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है कि पहले 1.70 का जो है उसमें पहले एक नॉर्मल वर्ल्ड क्रिएट करना है, फिर उसके अंदर जो डीबी फोल्डर होता है उसको डिलीट करके जो वन ब्लॉक का डीबी फोल्डर होता है उस न्यू वर्ल्ड के अंदर डाल देना। उसके लिए आप जेड आरची और भी यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल इतना ही मेथड है, आप इजीली कर पाओगे और उसमें कुछ खास तो करना है नहीं। तो चलिए चलते आज के वीडियो की तरफ। ओके, पता नहीं अगली बार ग्लिच था, ये शील्ड ऊपर नहीं दिख रहा था। तो देखो, मैंने यहाँ पे थोड़े काम किए। ये है मेरा आर्मर। देखो यहाँ सारी जो अच्छी अच्छी इंचेंटमेंट्स है वो निकालिए जो हम आर्मर पे या तो कोई भी चीज़ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ सिल्टज और मैंडिंग है और वैसे हम आज यही करने वाले हैं अपने आर्मर को इंचेंट। और आज आपको वर्ल्ड का डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कर लेना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके, तो अभी इंचेंटमेंट स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले हम अपने टूल्स को इंचेंट कर लेते हैं। तो मुझे पिकेक्स के अंदर वैसे फॉर्चून चाहिए, पर अगर अनब्रेकिंग 3 मिल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। लूटिंग तो नहीं चाहिए मुझे, ऑलरेडी मेरे पास लूटिंग 3 है। तो देखो, चेस्ट प्लेट के अंदर प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग मिला, इसके अंदर प्रोटेक्शन 3, जो कि अच्छी बात तो नहीं बोल सकते, पर थॉर्न्स और रेस्पिरेशन था इसलिए रख दिया। इसके अंदर ब्लास्ट प्रोटेक्शन 3 है और इसके अंदर फायर प्रोटेक्शन 4 है। तो मैं हमेशा जब भी आर्मर बनाता हूँ तभी चेस्ट प्लेट के और हेलमेट के अंदर प्रोटेक्शन लेता हूँ, और लेगिंग में और बूट में ब्लास्ट लेता हूँ और लेगिंग के अंदर फायर, और इसके अंदर फॉर्चून 3 है तो मैं इसे सिल टच कर सकता हूँ, और ये स्माइट 5 वाली, और इसके अंदर फॉर्चून 3 है तो मैं इसे 2 है तो इसे 3 भी कर सकता हूँ। और ये सारे स्वॉर्ड के इंचेंटमेंट है जो मैं इसके अंदर डाल देंगा। और मेरे पास ऑलरेडी शार्पनेस 4 है तो मैं इसे शार्पनेस 5 से भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अरे यार, ये तो रही ना शार्पनेस 4 मैंने बोला था, तो इसको हमें करना है शार्पनेस 5 के अंदर कन्वर्ट। ये हो गई शार्पनेस 5। और अभी इस पावर को भी पावर 4 कर दे 5 कर देते हैं।
और ये एनविल का आवाज क्यों नहीं आ रहा? ओके ये रहा, तो इसके अंदर मुझे फॉर्च्यून 3 डालना है। अभी आया ना आवाज। और ये पावर 5 इसके अंदर आएगा। चलो अभी ऑलमोस्ट मेरी सारी चीज़ें मैक्स हो चुकी है, और आर्मर के अंदर थोड़े से इंचेंटमेंट रहते हैं अभी, तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। इसके अंदर प्रोडक्शन है बचा है अभी, और ये रहा प्रोडक्शन, तो मैं अभी डाल दूंगा इसके अंदर। और बाकी तो सारे चीज़ों के अंदर अच्छे अच्छे इंचेंटमेंटे मिले हैं मुझे। अरे वाह, सिर्फ 4 बार इंचेंट किया और पूरा एनविले टूट गया। ओके तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारा एक ओपीएस्ट डायमंड आर्मर आ चुका है, तो इनमें मुझे फंडिंग और वो सब डालना है, पर जब मैं एनुअल बना लूँगा फिर डाल दूँगा। ओके तो जाने से पहले ये डायमंड का आर्मर पहन लेते हैं, जो कि फुल एंचेंटमेंट के साथ है, और मैं ऑफलाइन इसके अंदर डाल दूंगा। सो गाइस, अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो लोग लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को भी नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।